आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। जिला ऊना की तहसील बंगाणा की पंचायत तनोह के डडियार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजकुमार, राज्य सचिव राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान एवं राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन ने बताया कि इस गांव में लगभग 59 वर्षों से दलित बस्ती के लिए रास्ते की समस्या चली आ रही है। दलित बस्ती के लिए कागजों में कुल 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, पर मुख्य सड़क से 20 मीटर पक्का रास्ता आगे बस्ती की तरफ आने के बाद गांव के ही राजेश कुमार पुत्र सुडू ने कई बार इस रास्ते में बाड़ लगा दी है। उसका कहना है कि यह उसकी मलकियत है और वह इस रास्ते को पक्का नहीं होने देगा और ना ही इस रास्ते से किसी और को जाने देगा। लगभग 1.5 वर्ष पहले इस डडियार गांव के 8 घरों में आग लग गई थी। उस वक्त भी राजेश कुमार के परिवार ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी व SDM बंगाणा की गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया था, जिस कारण घर पूरी तरह जलकर राख हो गए थे। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बहुत तंगदारी से रहते हैं। इनके पिता ड्यूटी पर तैनात हैं, कोई बिहार में है, कोई लेह लद्दाख में है, तो भी बच्चों को बहुत दुख होता है। हम अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते कहीं। गांव में एक रास्तों की बहुत समस्या है, जो एक ही परिवार ने 50 घरों को रास्ता बंद कर दिया है, जिसमें कोई गाड़ी, कोई छोटा मोटा व्हीकल नहीं जाता है। जो मरीज बीमार हो जाता है उसको चारपाई के ऊपर उठा कर ले जाना पड़ता है, और जो दो रास्ते लगे हुए हैं इसकी ही ज़मीन के अंदर हैं, जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड के अंदर हैं, लेकिन फिर भी इसने एक में रास्ता रोक दिया है, बीज दिया है, मकान डाल दिया है, और दूसरा जो रास्ता है उसमें बाड़ लगा देता है, पत्थर फेंक देता है, किसी का व्हीकल ऊपर तक जिसको मदद चाहिए बिल्कुल नहीं दिया जाता है, उसको बहुत परेशान किया जा रहा है। और पूरा परिवार जो है इस टाइम इतने तंगी में है, और बहुत घटनाएं हो गई हैं इस डर में, रास्ते की बहुत प्रॉब्लम है। आज मैं जिला ऊना की तहसील बंगाणा की पंचायत नौ के गांव डडियार में आया हुआ हूं, जहां पर एक रास्ते को लेकर समस्या है, जहां पर दलित परिवार के कुल 50 से ज़्यादा घर हैं, लेकिन यहां पर एक परिवार ने जो है रास्ते को रोक रखा है। हर आए दिन वो रास्ते में जो है बाड़ लगा देता है, रास्ते को रोक देता है। लगभग 1.5 वर्ष पहले यहाँ पर 8 घरों में जो है गर्मियों में आग लग गई थी, लेकिन उस एक ही परिवार ने जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया। शासन प्रशासन की ओर से SDM साहब यहाँ पर आए हुए थे, तो उक्त परिवार ने जो है उनकी गाड़ी को भी रोका और उनकी गाड़ी को भी जो है वो आगे नहीं जाने दिया। तो मैं शासन प्रशासन से, राज्य सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि इस रास्ते को जो है पक्का किया जाए। इस रास्ते की जो हालत है वो बहुत ही खस्ता हालत है, इस रास्ते पे जो है पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई भी आपत्ति हो, कोई भी मुसीबत हो, तो कोई भी एम्बुलेंस, कोई भी गाड़ी, शासनिक प्रशासनिक गाड़ी यहाँ पर दलित परिवारों की मदद के लिए जो है वो नहीं आने दी जाती। गांव वाले ऊना में प्रशासन के पास चक्कर काटते हैं, तब वह बाड़ हटा देता है, पर फिर थोड़े समय बाद फिर से बाड़ लगा देता है। हर वक्त बस्ती के लोगों को जाति सूचक गालियां देना उसकी आदत सी बन गई है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस रास्ते की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए और इस रास्ते को पक्का किया जाए। संतोषगढ़ जिला ऊना से आपका चैनल के लिए नरेश सिंघा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।